दोस्तों नई रेसिपी के साथ आए गए। फिर देखिए कि जरूर फटाफट से हम नई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये बनाते हैं क्या, सब्जी भी खाओ और उसी के पराठे भी बनाओ तो बहुत बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत अच्छे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यशोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। जब उसको मुर्गा की फल्ली ले लीजिए, तो 250 ग्राम मुर्गा की फल्ली है। तो मैं इनकी कुछ रेसिपी नहीं बनाने जा रही हूँ, या सब्जी भी नहीं बनाऊंगी। तो सब्जी नहीं बनेगी, कुछ अलग बनेगा उसका नई रेसिपी। तो आप जरूर देखें और जरूर बनाएं, खाएं और जरूर जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो छिलका उतार लेते हैं ऐसे, देखिए इतने बड़े बड़े काट लेंगे, ऐसे बड़े बड़े काट के और इतने बड़े बड़े छील लेंगे ऐसे, इस तरीके से। बड़े बड़े काटेंगे, बारीक नहीं काटेंगे, सब्जी लाइक नहीं है, हम ऐसे काट रहे सब्जी नहीं का बनाएंगे। तो इधर जो हमने मिर्ची ले ली, तो लहसुन ले ली, तो छील कर ये थाली में रख लिया, इन्हें अलग से कूट देंगे। तो सारे छील लेते हैं दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े टुकड़े देखिए। तो इन्हें अच्छे धो लूंगी। तो अभी करते हैं गैस चालू, गैस चालू मैंने कर दिए। तो एक कढ़ाई में रखी है साफ पानी 1 गिलास। तो इन्हें अच्छे से धो लूंगी, धो के और धो के सारी फल्ली ये डाल लूंगी। तो अच्छे से उबालन दूंगी इन्हें, देखिए तो बहुत अच्छे से चुर जाएगी। तो उन्हें चुनने देते हैं 2-4-5 मिनट तक। और इतना ये लहसुन प्याज हरी मिर्ची ले ली मैंने, तो इन्हें कूट के लाती हूँ मैं, खलबट्टा में कूट लूँगी। तो इतना मैंने कूट लिए लहसुन प्याज, देखिए खलबट्टा में, तो इन्हें निकाल लेते हैं दोस्तों। पक गई अच्छे से फल्ली, ये देखिए। तो हम गैस को करेंगे बंद, गैस को हमने बंद कर दिया और अब निकाल लेते हैं थाली में। तो ये थाली में निकाल लेंगे, ठंडी होने देंगे, अच्छे से ठंडी हो जाए। बीज है ठंडी होने देते हैं अभी 2 मिनट ठंडी। तो देखिए फल्ली ठंडी हो रही है, तो अब हम इनको इसका अंदर का लिपस्टिक निकाल लेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से हम ऐसे खोल लेंगे और ऐसे करके ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सारे ही निकाल के ये ऐसा जी, तो अंदर का गूदा है जो सारा निकाल के रख लेते हैं पूरे। खोलो और खोल के और ऐसा अंगूठा सा ऐसे खींच दो, सब निकल जाए। हमने निकाल लिया अंदर का जे, और आमिनी को पीसेंगे। तो जब मिक्सर जार में डालूंगी मैं सारा उठा के, तो अच्छा सा पेस्ट बना के लाऊंगी। ये देखिए तो सारा इसका निकाल लिया पूरी फल्ली का, ये छिलका छिलका रहेगा। तो दोस्तों हमने पीस के लिया, ये देखिए अच्छे से लिक्विड बहुत बढ़िया सा, तो पीस के लिया। तो आप इतना ले लिया आटा, तो आटे में डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आटा, इसी में आटा गूंजेंगे। तो अब इसी में आटे हमने डाल दिए और अब नमक भी डाल दे रहे हैं साथ में, जरूरत के हिसाब से। 1 चम्मच धनिया डाल दें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची। तो अब अच्छा सा पेस्ट आटा लगा लेंगे, रोटी की तरह अच्छा आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ रख के लगा लेते हैं नीचे। तो इस तरीके से अच्छे से आटा लगा ले रहा है, जितने लगेगा पानी तो डालेंगे नहीं, जितने में लग जाएगा। देखिए एक बार आटा लगा लिया, फिर से एक बार और सामान ले रही हूँ थोड़ा सा उसे। ये बहुत अच्छे से हमने आटा लगा लिया, इधर बेलन चकोटी ले लिए, तवा गैस चालू। तो इस तरीके से बेल लेंगे गोल गोल। और गोल गोल
ही बनाएंगे दोस्तों, गोल गोल बना लेते हैं चौकोर भी, या तीन फुट बनाना हो तो तीन फुट टेप बन जाते हैं। देखिए तो हमने ये डाल दी। अब एक साइड लगाते हैं तेल, देखिए तो तेल लगा देते हैं इस तरीके से। तब दूसरी साइड भी लगा देंगे। तो इस तरीके से ऐसे सारे पराठे ऐसे बना कर रख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारे पराठे इस तरीके से पराठे बन के तैयार है, आप देख सकते हो। बना लिए मुनगा के पराठे, कोई साजन के पराठे बोले, कोई साजन बोले भी से साजन की फली, या हम मुनगा की फली भी बोले हैं, तो उसके पराठे बना ले बिल्कुल मसालेदार। सब्जी की जरूरत नहीं कि सब्जी में खाओ, वैसे भी खा सकते हैं और सब्जी से भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बना लिए दोस्तों गरम गरम पराठे। आप भी आइए दिखाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।